काला जादू या जो भी आप इसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। चार वेदों में से एक वेद इसके प्रति समर्पित है। अथर्ववेद इसी बारे में है कि कैसे अपने लाभ के लिए और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जा में हेरफेर किया जाए। यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो यह आपको उस तरह की नुकसानदायक स्थितियों से भी बचाता है। रुद्राक्ष एक बीज की तरह, ये पेड़ एक खास ऊंचाई पर उगता है। 6500 से लेकर 12000 फीट की ऊंचाई पर रुद्राक्ष हिमालय क्षेत्र में उगता है और इसका बहुत खास स्पंदन होता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर रुद्राक्ष को पकड़ें जिसकी पॉजिटिव प्रकृति है तो ये अपने आप घड़ी की दिशा में घूमेगा। अगर आप इसे किसी नेगेटिव चीज के ऊपर पकड़ें तो यह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। अब रुद्राक्ष को शरीर पर क्यों पहना जाता है? यह भी एक तरह की सुरक्षा है। आप जानते हैं कि लोग नुकसान पहुंचाने वाली ऊर्जा से दूसरों का जीवन प्रभावित करते हैं, क्या आप जानते हैं? आप यहाँ क्या कहते हैं? बिली शून्य, काला जादू या जो भी आप इसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। चार वेदों में से एक वेद इसके प्रति समर्पित है। अथर्व वेद इसी बारे में है कि कैसे अपने लाभ के लिए और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जा में हेरफेर किया जाए। यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो यह आपको उस तरह की नुकसानदायक स्थितियों से भी बचाता है। कई बार ये चीजें लोगों के साथ तब भी हो सकती है जब वे उनका निशाना न हो। मान लीजिए कोई मुझ पर कुछ काला जादू कर रहा है लेकिन मैं उसके प्रति ग्रहणशील नहीं हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, यह आप पर असर कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि यह आप पर किया गया हो। यदि आप उस समय आसानी से प्रभावित होने की स्थिति में हैं, तो आप पर असर होगा। तो कई बार लोग खराब समय और वैसी चीजों से गुजरते हैं, उसे इससे मत जोड़ें। मैं आपके मन में डर पैदा नहीं करना चाहता, पर कई बार हमने देखा है कि लोगों पर कुछ चीजों का असर होता है। वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, वे सभी प्रकार की चीजों को दोष देते हैं। यह नहीं जानते कि उनके साथ वाकई क्या हो रहा है। एक साधारण माला पहनने से ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित स्तर की सुरक्षा मिलती है। लोगों के रुद्राक्ष पहनने की एक और वजह है, अगर आप प्यासे हैं और आप एक जंगल में चल रहे हैं, आपको थोड़ा पानी मिला और आपने पी लिया तो आप पर जहरीला असर हो सकता है, आपको लकवा मार सकता है या आप मर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में भी पानी कुछ गैसों के कारण जहरीला हो सकता है। कुछ झीलों और अन्य चीजों को बुरा माना जाता है, उनका इतिहास है। आदिवासी और दूसरे लोग डरते हैं कि वहां भूत मौजूद हैं। ये केवल इसलिए है कि पानी कुछ गैसों की वजह से जहरीला हो गया है और जो लोग उसे पीते हैं वे तुरंत दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं और इसी वजह से उस पानी से ऐसी बातें जुड़ गई हैं। अगर आप रुद्राक्ष को पानी के ऊपर पकड़ते हैं तो यह आपको बताएगा कि उसे पीना चाहिए या नहीं। अगर आपके सामने कोई भोजन आता है, अगर आप उसे पकड़ते हैं तो अगर उसमें थोड़ा सा भी जहर हो तो रुद्राक्ष तुरंत घड़ी की दिशा से उल्टी दिशा में घूमेगा। अब रुद्राक्ष को शरीर पर क्यों पहना जाता है? एक बात यह है कि इससे आभा साफ होती है। आपको पता है कि आभा या ऑरा क्या है? AURA, हर चीज के चारों ओर, हर शरीर के चारों ओर प्रकाश और ऊर्जा का एक निश्चित क्षेत्र होता है। हर भौतिक वस्तु की अपनी आभा होती है, यहाँ तक कि बेजान वस्तुओं की भी। आजकल इसकी कई अलग अलग तरीकों से फोटो ली जा रही है और रिकॉर्ड किया जा रहा है। रुद्राक्ष आपकी आभा को साफ करता है। आभा बिल्कुल काली से लेकर शुद्ध सफेद तक हो सकती है। आप जानते हैं, अगर आपने देखा हो, शायद अमेरिका में इतना नहीं है, पर अगर आपने कोई ऐसी स्पेनिश फिल्म या भारतीय फिल्म देखी हो तो आप देखेंगे अगर उन्होंने किसी संत या ऋषि को दिखाया हो तो हमेशा उनके सिर पर एक सफेद आभा मंडल होगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने सिर के पीछे रोशनी के बल्ब लेकर घूमते थे। बात सिर्फ इतनी है कि कलाकार आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यह एक शुद्ध संत है, उनकी आभा शुद्ध सफेद है, यही बताया जा रहा है। तो बिल्कुल काली आभा से लेकर शुद्ध सफेद आभा तक आभाएं हो सकती हैं। यदि आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तंत्र विद्या की प्रक्रियाएं करता है, जो ऊर्जा के साथ काम करता है, उनमें से ज्यादातर नकली होते हैं, जो सिर्फ मुर्गियों का उपयोग करते हैं और आपको डराते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ वास्तविक लोग हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं
यह बहुत ही गूढ़ तंत्र विद्या है। अगर आप उनसे मिलें, वे एक बहुत अलग तरीके से शक्तिशाली होते हैं। उनकी आभा बिल्कुल काली होती है। वे बहुत शक्तिशाली होते हैं, पर बिल्कुल अलग तरीके से। तो एक बिल्कुल काली आभा से एक शुद्ध सफेद आभा तक और उनके बीच लाखों अलग अलग रंग, इससे आपकी आभा शुद्ध हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो कल सुबह तक आपके सिर के पीछे एक आभा मंडल होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप खुद को शुद्ध करने की इच्छा रखते हैं। जब आपकी इच्छा होती है कि आप खुद को शुद्ध करें, तो आप हर उस छोटी से छोटी मदद का उपयोग करना चाहते हैं।